नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका धीरज मोइट्स में। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल की तरह देश के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी एक धार्मिक दौरा करेंगे। इस बार दिवाली से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। पीएम मोदी जी का प्लान है कि 21 अक्टूबर को वे केदारनाथ जाएंगे। पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचकर वहां चल रही विकास परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद पीएम का बद्रीनाथ का दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 21 अक्टूबर को केदारनाथ के दर्शन करेंगे और रात को वहीं पर रुकेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को वे बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद दीपावली के दिन 24 अक्टूबर को हर साल की तरह पीएम सैनिकों के बीच ही त्यौहार मनाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से सैनिकों के बीच दीपावली मनाते जा रहे हैं। पीएम मोदी का केदारनाथ धाम के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है। एक बार तो उन्होंने केदारनाथ धाम के पास ही साधना की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। वहाँ चल रहे पूर्ण निर्माण कार्यों की वह स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। इस बार 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट और केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद हो जाएंगे, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर सुबह 8:30 पर भैया दूज के दिन बंद होंगे। बताते चले कि साल 2021 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारधाम पहुंचकर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगातें दी थी। एक ही शिला काटकर बनाई गई शंकराचार्य की 12 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने उनके समक्ष बैठकर उनकी आराधना भी की थी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ का दौरा भी करेंगे और साथ में जवानों के साथ दीपावली भी मनाएंगे। तो ऐसे ही नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।